यस, 10th क्लास का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड ने आउट किया 23 और 24, जिसमें आर्यन पब्लिक कॉलेज से आलोक मौर्य ने सर्वोच्च अंक लेकर के अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। आपके सामने आलोक मौर्य उपस्थित है। सबसे पहले तो हम क्लास टीचर सुकेन सर से आग्रह करेंगे कि आलोक को सम्मानित करने के लिए अपने हाथ से उनके गले में माला डालें, जिससे सारे विद्यार्थियों को ये प्रेरणा मिल सके कि जो भी टॉपर्स होगा हम उसको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उसने अपने गुरुजनों के मान सम्मान को बढ़ाया है और विद्यालय को गौरवान्वित होने का शुभ अवसर प्रदान किया है। इसलिए कक्षा अध्यापक श्री सुखचैन सर जी, आप आलोक के गले में माल्यार्पण करें और तिलक लगा करके आज उनके मस्तिष्क को सुशोभित करें, क्योंकि आलोक ने वो मुकाम हासिल किया है जो हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वैसे आलोक एक बेहतर प्रतिभा है, आलोक होनहार विद्यार्थियों में है, आलोक सहनशील है, आलोक ने कभी डिसिप्लिन के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया है। आलोक आर्य क्लास से एजुकेशन ले रहे हैं, कंटिन्यू एजुकेशन ले रहे हैं और हमेशा अपनी क्लास में आलोक ने टॉप किया है। आज उन्होंने 10th क्लास टॉप किया, ये विजय तिलक है। कक्षा अध्यापक महोदय श्री सुखचैन सर, आपके मस्तिष्क पर विजय तिलक को लगा करके प्रमाणित कर रहे हैं कि आलोक जहाँ भी रहोगे, जहाँ भी जाओगे, हर परीक्षा में तुम्हें श्रेष्ठता प्राप्त होती ही रहेगी। माल्यार्पण करें। मिस्टर आलोक मौर्य क्लास टीचर सुखचैन सर जी ने माल्यार्पण करके सम्मानित किया। और मिस्टर आलोक मौर्य, 96%+ आपने गेन किए हैं। वैसे स्टूडेंट तो बहुत ऊंचाई के हैं, आपकी सहनशीलता, आपका धैर्य इस बात को प्रमाणित करता है कि एक दिन बहुत सारे मुकाम आपके सफलता बन करके आपके हिस्से में आते रहेंगे। आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अपने को प्रमाणित करने के लिए। मिस्टर आलोक मौर्य, पिताजी का नाम जयप्रकाश मौर्य जो बगल में ही उपस्थित हैं, ये शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है कि आपके पुत्र ने आर्यन पब्लिक कॉलेज को टॉप किया और गंगा पार में यूं तो पूरे प्रयागराज जनपद में बहुत सारे कॉलेजेस जो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटिंग है सब सर पे हाथ रख के बैठे हैं। इस बार सीबीएसई बोर्ड की मेरिट बहुत डिस्टर्बिंग आई है, लेकिन आर्यन पब्लिक कॉलेज इस मामले में सफल रहा, जहां आप जैसे प्रतिभाओं ने अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया और विद्यालय को सम्मान की श्रेणी में लाके खड़ा किया। यस्सी पांडे सर चेयरमैन इस विद्यालय के, और आप जैसी प्रतिभा को पा करके उनका हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाएगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स आए और आईआईटी तथा नीट में सफलता के मुकाम लेकर के जाए। आर्यन पब्लिक कॉलेज का स्टूडेंट कहीं भी सर झुकने नहीं देता है, न विद्यालय का न अपने गार्जियन का। एस मिस्टर आलोक मौर्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे क्लास सेकेंड से आर्यन पब्लिक कॉलेज, आप अपने विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप आलोक का मीठा करा दीजिए, क्योंकि हम तो भूल गए थे वार्तालाप के इस दौर में। खाओ खुल के खाओ, सर के हाथ सर, पापा को भी मीठा कराइए, मीठा लगेगा। तुम अपने हाथ से अपने सर को खिला दो, अभी तो सर ने तुम्हें खिलाया, अब तुम अपने हाथ से अपने सर को खिला। इधर देखो बेटा, इधर देखो, आओ पापा को खिलाओ। अब पापा को आज लड्डू की मिठास कम, सफलता की मिठास से लड्डू ज्यादा मीठा हो जाता है। बस समझ, खाओ खाओ खाओ। हेलो हेलो हेलो, सेंटर में जैसा हमने जानना चाहा, विद्यालय के विद्यार्थी बड़ी जिज्ञासा में हैं कि आप उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश देंगे। ऐसी परिस्थिति में जब आपने सेकंड क्लास में आर्यन पब्लिक कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था, तब से चलकर के आज 10th क्लास का सफर आपने तय किया है और विद्यालय से आपने टॉप किया, क्योंकि वैसे तो आपने सेकंड क्लास से ही टॉप करने का सिलसिला कायम रखा है, आपने हमेशा टॉप किया है, आज भी आपने टॉप किया, आगे भी आप टॉप करते रहेंगे, लेकिन 10th क्लास के इस टॉप
करने की सफलता पर क्या कहना चाहेंगे, आपका कॉलेज कैसा रहा, क्योंकि बचपन से लेके अब तक का आपका अनुभव जो है सेकेंड क्लास से लेके टेंथ क्लास तक, कॉलेज कैसा लगा, आपके टीचरों ने कैसा कोऑपरेशन किया, क्योंकि आर्यन पब्लिक कॉलेज तो अपने हर स्टूडेंट को अपने पुत्रवत व्यवहार के रूप में लेता है। छात्र बाद में, पहले आप हमारे पुत्र हैं, हमारे सारे अध्यापक इस मनोभाव से आपको कोऑपरेट करते हैं। जब भी कोई डाउट रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर पहले डाउट सॉल्व किया है, तभी आगे बढ़े हैं सारे टीचर। इस पे आपके क्या विचार हैं मिस्टर आलोक जी, काइंडली से समथिंग। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैंने क्लास 10 में 96% विन किया है और मैं इसका पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा फैमिली को और यहाँ पे सभी टीचर को देना चाहता हूँ। आलोक वेरी गुड, जो संस्कार होना चाहिए विद्यालय का एक कथन भी है। हम एजुकेशन तो इंग्लिश मीडियम की देते हैं लेकिन संस्कार भारतीय संस्कृत की देते हैं। आलोक जी ने वही प्रमाणित किया। ये पूरा श्रेय मम्मी पापा के सहयोग का और गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन का, शेष एक स्टैंडर्ड एटमोस्ट ऑफ द कॉलेज का। इसके लिए आलोक ने कॉलेज को बधाई दिया, अपने गुरुजनों को नमन किया और अपने मम्मी पापा को पुनः मन ही मन प्रणाम किया। आलोक जी, आप अपने छोटे भाइयों के लिए या अपने छोटे बहनों के लिए पढ़ने के लिए कैसा इंडिकेशन देना चाहेंगे कि आपके छोटे भाई बहन किस ढंग से पढ़ाई करें कि इनको भी सफलता का अच्छा मुकाम प्राप्त हो सके? ऐसा आलोक जी, ईमानदारी और लगन से, और जितने जो टीचर पढ़ाते हैं अगर उतना ही अगर कोई कर ले तो इससे ज्यादा पा सकते हैं। यस, आलोक जी का कथन है कि अगर ईमानदारी से स्टूडेंट्स अपने टीचर के दिए हुए मार्गदर्शन का सही अनुपालन करता है तो उसे कहीं किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, किसी ऑनलाइन पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने टारगेट को पा सकता है। यह आलोक जी का कथन है। आलोक जी, यहाँ के अध्यापकों के बारे में आपका क्या कथन है? आलोक जी का कथन विषय विशेषज्ञ सारे अध्यापकों के द्वारा आर्यन पब्लिक कॉलेज की जो टीचिंग मेजॉरिटी है, नो डाउट एक आइडियल मेजॉरिटी है और हमेशा प्रूव किया है। जो भी डाउट्स रहे हैं उसको इजीली सॉल्व किया है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट किया है, बच्चों में एक उत्साह का संवर्धन किया है और उसी का ये प्रतिफल है कि 100% रिजल्ट आता रहा है। और आलोक ने कहा, मैंने भी अगर टॉप किया है, आज मेरे मन में भी कुछ बेहतर करने की लालसा है, तो यहाँ के विद्यालय और विद्यालय के अध्यापकों का देन है। इसके लिए आप विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर, जो कुछ भी है सर इस विद्यालय की वजह से ही है। जी, आर्यन पब्लिक कॉलेज, मैंने आपसे बता दिया, आर्यन पब्लिक कॉलेज न कभी किसी की नकल करता है और न किसी को फॉलो करता है। जो भी नकल करते हैं आर्यन पब्लिक कॉलेज का करते हैं, फॉलो करते हैं आर्यन पब्लिक कॉलेज का करते हैं। ये कॉलेज खुद अपने टारगेट डिसाइड करता है और खुद अचीव करता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। इस बात को आलोक जी ने स्वतः अपनी वाणी में कही कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जो भी टीचर आपको टारगेट देते हैं उसका फॉलो कीजिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। आलोक जी, इसके बाद 10th क्लास को आपने टॉप किया, हम जानते हैं इसके बाद हमारी मुलाकातें आपसे बहुत कम हो सकेंगी, क्योंकि हम कला भी नहीं चाहेंगे, हम ममता के मोह में आपको अपने करीब नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि हम तो आपसे उस सफलता के मुकाम को देखना चाह रहे हैं जो IIT टॉपर को मिला करता है। आप में तो वो टैलेंट है, आप 2000 के नीचे रहेंगे, मेंटेन करेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूशन से IIT करेंगे। इसके लिए आप पौंडे क्लास से जाना चाहेंगे या कोटा जाना चाहेंगे, ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा कॉलेज या हमारा मैनेजमेंट संस्थान कभी किसी को डेड बाउंड नहीं करता कि नहीं नहीं आप यही करो, जहां आप बेहतर समझते हो, क्योंकि हम आपकी सफलता चाहते हैं। इसके लिए आपके क्या विचार? वेरी गुड, फैमिली का विचार, गुरुजनों का विचार, कॉलेज का मार्गदर्शन, आलोक हमेशा फॉलो करने को तैयार हैं। ठीक, ये आर्यन पब्लिक कॉलेज बहुत बहुत बधाई देता है मिस्टर आलोक जी। आज की छोटी सी सफलता है, एक के बाद एक कई सफलता आपके चरण चूमे विद्यालय मंगलिक कामना करता है और ऊपर वाले से दुआ करता है, सफलता आपको हमेशा मिलती रहे। जी हाँ, आसमान में खिलते हैं सितारे रात की शोभा बनकर, विद्यालय में निखरते हैं प्रतिभावान कॉलेज की आभा बनकर, मिस्टर आलोक मौर्य टॉपर 10th क्लास। अब हमारे बीच में आपके पिताजी भी उपस्थित हैं, ये गौरव का क्षण है। आप जानते हैं दुनिया में किसी भी पिता को सबसे अधिक प्रसन्नता तभी होती है जब वो अपने बच्चे की सफलता अपनी आंख के सामने देख लेता है।
आपके पिताजी भाग्यवान हैं, आपने इनको आज खुश होने का अवसर प्रदान किया है। आज मैं आपके पिताजी के पास चलता हूँ और उनके मन की बातों को जानना चाहता हूँ। विद्यालय ने उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया, जो सोच करके इन्होंने आयरन पब्लिक कॉलेज को आलोक को दिया था सेकंड क्लास में। कॉलेज ने बखूबी निभाया और आलोक को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, इसके लिए आपके पिताजी के विचार। सर, आप अपनी वाणी में दो शब्द। बच्चे ऐसे हमारे साथ करते रहे, विद्यालय के सभी बच्चे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जो भी हो, सारे बच्चों के लिए मैं से अपने से नहीं देना चाहूँ, विद्यालय देती है। माता पिता पहले विद्यालय होते हैं, दूसरा विद्यालय उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है। इस बात को प्रमाणित किया आलोक ने सोचा है कि माता पिता का मार्गदर्शन और हमारे अध्यापकों का उचित और बेहतर दिशा निर्देश आज हमको इस मुकाम तक पहुंचने में सहयोगी हुआ है कि मैंने 96+% लेकर के आर्यन पब्लिक कॉलेज को सम्मानित होने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसे स्वतः स्वीकार कर रहे हैं मिस्टर आलोक मौर्य। एस मिस्टर आलोक जी, थैंक वेरी वेरी थैंक्स टू।